अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे आज आप लोगों के साथ चिकन क्रीमी पाई शेयर करने जा रही हूं आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया था ब्रेस्ट और उसको दो ग्लास पानी और हाफ़ टी स्पून नमक वन टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल के उसको गला लिया जब पानी ड्राई हो गया तो इसको चिकन को शेड कर लेंगे बहुत अच्छी रेसिपी है बहुत मज़े की है और आप इसको बना के तो पाइस बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और जिस टाइम आपने बेक करनी हो आप बेक कर सकते हैं उसको तो इस तरह अब मैं इनको श्रेड करने जा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ लेके आऊँ बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे इसलिए आजकल इस चैनल पे व्लॉग नहीं मैं डाल रही हूँ सिर्फ रेसिपी लेके आऊँगी अब हम इसकी स्टफ़िंग बनाएंगे उसके लिए दो टेबल स्पून जितना ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे और ये तीन डिफरेंट किस्म की शिमला मिर्चें हैं हाफ़ हाफ़ कटी हुई हैं तो हाफ़ रेड कलर की है हाफ़ येलो हाफ़ ग्रीन और इनको इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसको पकने देंगे जब देखेंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ़्ट होना शुरू हो गई हैं फिर हम इसमें एक कप जितने मशरूम एक कप मटर ये शामिल करेंगे अगर आपके पास कोई अपनी मनपसंद सब्जियाँ हों तो आप वो भी डाल सकते हैं मेरे पास यही सब्जियाँ घर में मौजूद थी तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रोज़न मटर मटर हैं फ्रोज़न मशरूम हैं तो ये सब मिक्स करूँगी ऐसे और इनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे क्योंकि ये पानी रिलीज़ करेंगे और उसके बाद इनका पानी ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और उसके अलावा आपको दो कप भर के आपको चाहिए होगा दूध और इसमें वन टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ और इस ज़ीरे का टेस्ट इतना अच्छा आता है इस के अंदर इवन ये हैं तो इंग्लिश रेसिपी लेकिन आप ये बना के देखिएगा आपको बहुत पसंद है ये क्रीमी चिकन है और वाइट चिकन के साथ इसके अलावा इसमें जो अपने थोड़े टच होते हैं मसालों के बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं तो इसमें वन टी स्पून से जितना ज़ीरा हम इसमें डाल लेंगे और अगर आप ज़्यादा डालना चाहते तो वो भी डाल सकते हैं और जो चिकन हम लोगों ने शेड किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तकरीबन तीन मिनट के लिए इसको हाई हीट पे हम पकने देंगे फिर उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे इसमें जो अगर आपके पास ड्राई हर्ब्स ना हो जो हम आगे चल के यूज़ करेंगे जस्ट केस मैं आपको बता रही हूँ तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं और ज़्यादातर जो ड्राई हर्ब्स होती हैं वो बहुत जगह पे अवेलेबल हो जाती हैं हर जगह पे आपको मिल जाएंगी तो ले लीजिएगा और घर पे रख लीजिए वो किसी भी रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी लगती हैं उनकी खुशबू उनका और इस तरह करके हम इसको पका रहे हैं चिकन को बस इसका कच्चापन जो चिकन का होता है उसको ख़त्म करना है हम लोगों ने तो इस तरह इसको मिक्स करेंगे तो अब हम इसका बनाएंगे इसको निकालेंगे अलग से बर्तन में डालेंगे तो फिर हम इसका वाइट सॉस तैयार करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये पैन लिया है एक दो टेबल स्पून इसमें मेल्ट किया हुआ बटर है थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे ताकि बटर जले ना उसके बाद हम इसमें तीन टेबल स्पून मैदा डालेंगे और उसको थोड़ा सा पकाएंगे एक मिनट के लिए जब तक उसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए अभी थोड़ा सा मैं इसमें तेल शामिल करने जा रही हूँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़ और कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी तो थ्री टेबल स्पून भर के इसमें मैंने मैदा शामिल किया है और अब इसको मिक्स करते जाएंगे और इसका सॉस तैयार करेंगे अब साथ साथ इसके हम दूध भी शामिल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे अगर एकदम से इसमें मिल्क ऐड कर दिया जाए जाएगा तो ये गुटलियाँ बन जाएंगी और बिल्कुल भी सॉस अच्छा नहीं तैयार होगा थोड़ा थोड़ा करके मिल्क हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको सॉस तैयार करते जाएंगे बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है और मेरे बच्चों को मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो अब पेस्ट्री रेडीमेड ही मैं इस्तेमाल करूँगी वो ला आप उनकी किसी भी शेप में इनको स्टफ़ करके स्टफिंग को तो फ्रीज कर दें जब आपने बनानी है निकालें अमन में इनको बेक करें और ये रेडी हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त रहता है बिल्कुल ख़राब नहीं होता तीन से चार वीक्स तो कहीं जाती नहीं है इनका थोड़ा सा टेस्ट मिलता जुलता है ग्रेग्स की पेस्टिस के साथ और उसका जो अरोमा और टेस्ट थोड़ा उसके साथ आता है तो ये सॉस हमारी तैयार हुई है अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और अगर आपके पास मोटी कुटी हो तो वो डाल लें मेरे पास यही थी बारीक पिसी हुई तो यही शामिल कर दी है और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है औरिगानो जो ड्राई पाउडर होता है वो और इसके अलावा हाफ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे बेजल बेजल पाउडर या बेजल हर्ब्स जो होती हैं वो उनका बहुत अच्छा रोम आता है जिस तरह पिज्ज़े में से स्मेल आती है ना खुशबू आती है इस तरह फिर इसमें से खुशबू आएगी तो उसके बाद ये थिक सी सॉस रखी है हम लोगों ने अब हम इसके अंदर ये सब्जियां और चिकन बनाया था इसको शामिल करेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे इसके अंदर ही दो से तीन मिनट के लिए जैसे मीडियम हीट पर रख के हम इसको पकाएंगे तो उसके बाद हमने इसमें क्रीम शामिल करनी है दो कप आपको थिक क्रीम चाहिए होगी और इसके अलावा या उसको बोलते हैं दूध थोड़ा सा हम इसमें और शामिल करेंगे ताकि इसका टेक्स्चर थोड़ा सा रनी हो जाए क्योंकि ये बहुत ठीक है वैसे अगर आप इस स्टेज पे भी रखना चाहें तो क्रीम ऐड कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा रनी चाहिए क्योंकि जब ये इसको आप रखेंगे ना थोड़ा देर ठंडा होने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगा थिक हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा रनी इसको रखना होगा तो अभी हम इसमें थोड़ा सा मिल्क भी शामिल करेंगे और उसके बाद टोटल मिला के ना इसमें तकरीबन टू एंड हाफ़ ग्लास बड़े जो होते हैं दूध के वो जाएंगे दो ग्लास मैंने सॉस बनाने में यूज़ किए हैं और हाफ ग्लास हम हाँ इसमें डाल रहे हैं तो ये जो हाफ ग्लास है ऑप्शनल है अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो अब हम इसमें डा डालेंगे क्रीम ये थिक क्रीम है मेरे पास और दो कप हम इसमें भर के ये वाली क्रीम यूज़ करेंगे और इसके साथ इतना अच्छा अरोमा आता है इतना अच्छा टेस्ट हो जाता है हर चीज़ क्रीमी क्रीमी फील होती है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सुना वाइट कबाब की रेसिपी बहुत जल्दी दूंगी तो अगर किसी को वो रेसिपी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वन के तक तो लाइक पहुंचा दें इसके फिर अगर वन के तक लाइक होंगे इस वीडियो के ऊपर तो मैं वाइट कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी तो ये देखिए जी अभी जब आप देखें कि ये ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है साइडों से तो गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि अगर ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल ऑयली ऑयली हो जाएगा और इसका ऑयल सारा निकल जाएगा तो वो फिर टेस्ट नहीं रहता ये क्रीम का ऑयल जो है ना वो रिलीज़ हो रहा है तो अब हम गैस ऑफ करते हैं और इस साइड पर पे मैंने पेस्ट्री ले ली है पेस्ट्री आप शॉर्टकट ले सकते हैं पफ पेस्ट्री ले सकते हैं वो आपके ऊपर है आपने कौन सी पेस्ट्री लेनी है तो मैं पफ पेस्ट्री ले रही हूँ मेरे पास पाई मेकर है मशीन है अगर आपके पास नहीं है तो आप अवन में इसको बनाएं किसी भी सांचे में आप उसको डाल दें और बेक होने के लिए आप उसको अवन में रख देंवन में रखने के लिए आपको इसको 180 गैस मार्क सिक्स या फाइव फ़ाइव या सिक्स के ऊपर रख लें मैं अपने अवन के हिसाब से आपको बता रही हूँ मुझे बाकी एवन का नहीं पता मैं अपना जिस तरह अंदाज़ा बना जो बनाती हूँ उस अंदाजे से बता रही हूँ मेरे पास ये पाई मेकर है बहुत पुराना है ये बहुत ही पुराना है ये तो इसके अंदर हम इस तरह हाफ़ मैंने शीट्स कर ली हैं और हाफ़ हम नीचे डालेंगे हाफ हम इसके ऊपर डालेंगे तो इसको अब हम क्या करेंगे कि अच्छे से सेट से कर लेंगे और फिर इसके ऊपर स्टफिंग शामिल करेंगे पहले तो हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जो नीचे वाली लेयर होती है वो कच्ची ना रह जाए नॉर्मली ऐसे होता है कि पाइस की जो नीचे वाली लेयर होती है वो कच्ची रह जाती है ये देखें अब ये साइडों से अलग हो गई है वो हम निकाल लेंगे और जब मिडल से है वो पक चुकी है तो हम अब इसको थोड़ा सा प्रेस डाउन करेंगे क्योंकि ये पफ पेस्ट्री है फूल गई है तो इसके ऊपर हम स्टफ़िंग डालना शुरू करेंगे तो फिर उसके बाद हम दूसरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे बहुत इजी रेसिपी हैं इसके साथ इसमें आप इस जो बीफ की होती हैं ग्रेवी के साथ वो पाइस भी बना सकते हैं और इसके अलावा ये भी बना सकते हैं वेजिटेबल्स की बना सकते हैं जो भी अच्छी लगे तो अब हम इसमें जो स्टफिंग है स्टफिंग आप ये रख रख लें फ्रिज में इसको सैंडविच के अंदर लगा के खा सकते हैं आप और इस तरह पायस भी बना सकते हैं पराठे के अंदर लगा के खा सकते हैं जैसे आप लोगों को अच्छा लगे लेकिन सबसे बेस्ट रेसिपी यही है इंग्लिश रेसिपी है ये तो जितनी स्टफिंग आपने डालनी है आप इसमें डाल सकते हैं यह आपके ऊपर है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डालूँगी स्टफिंग क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाती है फिर निकालने में ये फट जाती है टूट जाती है ये मशीन में निकालना इसको इस मशीन में से निकालना बहुत मुश्किल है तो इसीलिए फिर मैं ज़रा कम ही इसमें स्टफिंग रखूँगी ताकि निकालने में फिर आसानी हो जाए चलें जी अभी हम इसके ऊपर इसको इवन कर देते हैं तो फिर हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरी लेयर शॉर्टकट पेस्ट्री में भी ये बहुत अच्छी बन जाती है तो ये हम इसके ऊपर डाल रहे हैं दूसरी लेयर और इसको हम करेंगे बंद तो ये अपने आप फिर कुक हो जाएगी और साइडों से ये निकल जाएगी बाहर तो इस तरह करके हम इसको अभी फ़िलहाल जो इसकी एजिस हैं वो काट लेते हैं क्योंकि ये एजिस हम बाद में बना सकते हैं बेक कर सकते हैं इसके पचीनी डाल के बच्चों को बना के दे सकते हैं वेस्ट नहीं करने हैं तो अभी मैं इसी मशीन में इनको ये बना के दे दूँगी तो ये देखिए जी ये हमारी पाई तैयार है तो अब हम इसको निकालेंगे और आपको इसका इन साइड लुक दिखाती हूँ उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे अल्लाह हाफिज़